सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट यानी कि SLM बुक की सीरीज स्टार्ट करी थी। तो हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ यूनिट जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट कर ली है। और मैंने सारी वीडियोस पे, मैंने सारे टॉपिक्स पे मैंने वीडियोस बना दी है। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिट फिफ्थ का, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। इसके बाद टोटल हमारे फोर टॉपिक्स बचेंगे, उन पर मैं वीडियो बना दूंगी और वो इसी वीक कंप्लीट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट वीक से हम कोई दूसरा सब्जेक्ट लेंगे और मैं उस पर सारी आपको वीडियोस बना के दे दूंगी, ठीक है। तो इस बार हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी SMCs से। और थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया SMCs के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दे दिया था। पिछली वीडियो में था उसमें था थोड़ा स्कूल मैनेजमेंट एंड कमेटी क्या होती है, उसका एक बेसिक आइडिया दे दिया था। तो इस वीडियो में हम पूरी तरीके से पढ़ेंगे कि एक्चुअली में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती क्या है। देखिए, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी SMC, ये क्या होता है कि स्कूल को हमें कैसे मैनेज करना है उसके लिए ग्रुप बनाया जाता है, उसके लिए कमेटी बनाई जाती है। और ये क्या ध्यान में रखते हैं, इनका मेन एम होता है जो स्कूल की फंक्शनिंग है उस पर पूरा ध्यान रखना, उसको कैसे मैनेज करना, ये सब इनका काम होता है। और ये पेरेंट्स, कम्युनिटी, इन सब लोगों को भी इंक्लूड करके अपने साथ चलते हैं, क्योंकि चाइल्ड की डेवलपमेंट होने से, मतलब चाइल्ड की डेवलपमेंट जब भी होगी तो उससे क्या क्या चीज़ें रिलेटेड होती हैं, जैसे पेरेंट्स चाइल्ड से रिलेटेड होते हैं, कम्युनिटी होती है, उन सबको भी ये लेके चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। सबसे पहला तो इनका स्कूल डेवलपमेंट प्लान को मेक करना, यानी स्कूल का जो डेवलपमेंट है उसके लिए एक प्लान बनाना, फिर स्कूल की मैनेजमेंट कैसे हो रही है उस पर ध्यान देना, और जो स्कूल डेवलपमेंट प्लान हमने बनाया उसे सुपरवाइज करना कि जो हमने बनाया है वो ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इम्प्लीमेंट करना उसको, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम थ्रू सोशल ऑडिट मैकेनिज़म। इसका ये मतलब है जो भी सिस्टम है वो एकदम सही हो, ऐसा ना हो कि कुछ उसमें गलत काम हो रहा है, तो बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट काम हो। फाइनेंस का ध्यान रखना, कैसे मैनेजमेंट हो रही है, अकेडमिक कितनी प्रोग्रेस हो रही है, बच्चे कितना अच्छे से काम कर पा रहे हैं ये देखना। एजुकेशन का डाटा बेस बना के रखना यानी टीचर्स वगैरह अच्छी लेना, स्कूल के लिए फंड्स प्रोवाइड करवाना, बच्चों के अकेडमिक प्रोग्रेस पे ध्यान देना। यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन, मतलब जो भी चाइल्ड से रिलेटेड लोग हैं वो सब लोग इस चीज़ में पार्टिसिपेट करें, इस चीज़ का ध्यान रखना। और जितने भी बच्चे हैं वो स्कूल्स में आए, इस चीज़ का ध्यान रखना। लोकल अथॉरिटीज़ के साथ जो है कोऑर्डिनेट करके फंड्स वगैरह ऑर्गेनाइज करना स्कूल के लिए, यानी पैसे वगैरह से रिलेटेड, ठीक है। टीचर्स की परफॉर्मेंस पे ध्यान रखना कि टीचर्स अपना कैसा दे रही हैं, मतलब कैसा बेस्ट दे पा रही हैं, नहीं दे पा रही, ठीक है। तो अब देखिए, SMC में ना टोटल 4 to 5 लोग जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो होगा, सबसे पहला हम देखते हैं, SMC शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन एवरी स्कूल अदर दैन अ स्कूल स्पेशलाइज्ड इन सब क्लॉज। इसमें देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं इसमें कौन कौन इंक्लूड होता है। लोकल अथॉरिटी इंक्लूड होगी, पेरेंट्स इंक्लूड होंगे, गार्जियंस, पेरेंट्स जो भी हैं वो सब इंक्लूड होंगे। अब इसमें कम से कम 75% जो लोग होंगे वो पेरेंट्स और गार्डियंस होंगे, मतलब ज़्यादा मात्रा में 3/4 जो लोग होंगे वो पेरेंट्स या गार्डियन में से होंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें बेसिक नीड्स पता होती हैं बच्चों की, ठीक है। उसके बाद जो 25% लोग होंगे वो कौन होंगे, 1/3 जो होंगे वो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकल अथॉरिटी टू बी डिसाइडेड बाय द लोकल अथॉरिटी, यानी जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो लोग अपने सिलेक्ट करेंगे कि हम में से कौन कौन इस कमेटी का मेंबर होगा, तो 1/3 लोग वो होंगे। बाकी 1/3 मेंबर जो होंगे वो टीचर्स होंगी, वो स्कूल ही डिसाइड करेगा कि कौन सी टीचर होगी। बाकी जो 1/3 होगा लोकल एजुकेशनल चिल्ड्रन इन द स्कूल, मतलब बच्चे वगैरह भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। अब देखिए, कंपोजिशन ऑफ SMCs विद रेफरेंस टू दिल्ली स्टेट। दिल्ली स्टेट में देखिए कौन कौन इंक्लूड होता है, क्योंकि दिल्ली जो है एक यूनियन टेरिटरीज है और इसका सिस्टम जो होता है वो थोड़ा अलग होता है। तो देखिए, सबसे पहला होता है प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल होगा या हेड ऑफ स्कूल होगा। उसके बाद पेरेंट्स गार्जियंस होंगे, वो 12 होंगे पेरेंट्स, 16 मेंबर्स में से, टोटल 16 मेंबर्स होते हैं उसमें से सब एक होगा प्रिंसिपल, 12 होंगे या तो पेरेंट्स या गार्जियंस बच्चे के। लोकल अथॉरिटी में से एक बंदा इलेक्टेड वो होगा, एक टीचर होगी, और सोशल वर्कर्स इन्वॉल्व इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, जो लोग सोशल वर्क करते हैं वो एक बंदा इंक्लूड होगा, ठीक है। तो ये सारे लोग होंगे। अब देखिए, वाइस चेयरमैन को कौन सिलेक्ट करता है, वाइस चेयरमैन को पेरेंट्स सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब पेरेंट्स और गार्जियंस कौन सिलेक्ट होंगे, ये इलेक्शन बॉडी होगी यानी इलेक्शंस होंगे उसमें से पेरेंट्स सिलेक्ट होंगे। टीचर्स कौन सिलेक्ट होगी, SMCs में से सिलेक्शन
टीचर मेंबर्स मतलब जो सारे टीचर्स होंगे वो मिलके वोटिंग करेंगे, उसमें से एक टीचर सिलेक्ट होगी, सोशल वर्कर कौन सिलेक्ट होगा, जो भी एजुकेशन फील्ड में से रिलेटेड रिसर्चेस करता है वो उनमें से एक इलेक्ट होगा, वो सोशल वर्कर वो उनका मेंबर होगा, ठीक है। और ये कितने साल के लिए बनती है, 2 साल के लिए बनती है और 2 साल के बाद वापस री इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। मीटिंग्स ऑफ द एसएमसीज, अब ये लोग कब कब मीटिंग करते हैं, इनकी मीटिंग होती है महीने में कम से कम एक बार, और टाइम और डेट वगैरह वो सब लोग डिसाइड करते रखते हैं। कोरम, कोरम ऑफ एसएमसीज मस्ट बी 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ एंड एवरी रेजोल्यूशन शैल बी पास बाय प्रॉपर कोरम विदाउट प्रॉक्सी, यानी कि जितना डाटा दे रखा है कि इतने लोग ये इंक्लूड होंगे, उतने लोग वो इंक्लूड होंगे, वो ही सारे होने चाहिए। इसमें हम और चीटिंग नहीं कर सकते कि पेरेंट्स एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, टीचर्स एक्स्ट्रा ऐड कर दी, या पेरेंट्स को ऐड नहीं करा, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए फॉर्मेशन ऑफ एसएमसीज यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी कैसे फॉर्म होगी, तो देखिए जर्नल बॉडी मीटिंग ऑफ पेरेंट्स गार्जियन, इन सब लोगों की मीटिंग होगी, मीटिंग में इलेक्शंस होंगे, इलेक्शन के बाद जो जो इलेक्ट हुआ जितनी जितनी पोस्ट है, कुछ पेरेंट्स है 50 पेरेंट्स है उसमें से कितने पेरेंट्स आएंगे, उन सब के लिए इलेक्शंस होंगे और फिर वो वर्क करेंगे। अब वो वर्क क्या करेंगे, सबसे पहले उनका काम होता है स्कूल पे मॉनिटर करना कि स्कूल का कैसा काम चल रहा है, स्कूल की डेवलपमेंट के लिए हम और क्या प्लान बना सकते हैं वो चीज़ करना, जो रिसोर्सेज दिए हैं गवर्नमेंट में प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। सारे लोग आपस में कम्युनिकेट करके चले, इन चीज़ों का ध्यान रखना है, टीचर्स को ज़्यादा बर्डन ना मिले ये भी ध्यान रखना है, और सारे बच्चे जो हैं वो स्कूल आएँ, सारे बच्चों का स्कूल में एडमिशन हो, इस चीज़ पे ध्यान रखना है, ठीक है। सारे जो नॉर्म्स हैं मतलब जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, ये ध्यान रख के चलना है, ठीक है। और इसमें क्या है, नीड्स देखना है कि बच्चों की क्या नीड्स है, उसके लिए प्लान बना के चलना है, ठीक है, और उसको मॉनिटर भी करना है, फिर मिड डे मील ढंग से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं वो देखना है, रिसिप्ट वगैरह बनानी है कि कितना क्या खर्चा हुआ, ये सब भी ध्यान रखना है, टीचर्स अपनी ड्यूटी ढंग से दे रही हैं कि नहीं वो भी ध्यान रखना है, टीचर्स को सैलरी मिल रही है कि नहीं वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए कुछ स्ट्रैटेजीज हैं कि इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट, इफ़ेक्टिव फंक्शनिंग हो स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़ की, तो वो देखिए स्ट्रैटेजीज क्या है। देखिए सबसे पहला तो प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन हो SMCs में, मतलब डेमोक्रेटिक प्रोसेस होना चाहिए, ये नहीं कि कोई भेदभाव हो रहा है, इलेक्शंस होने चाहिए और वो फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, ज़्यादा सब कमिटीज़ नहीं बनानी चाहिए, मतलब ज़्यादा ग्रुप डिविजन्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। एक ही जना बार बार अलग अलग काम को ना देखे, बल्कि काम अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो, वुमेंस भी इंक्लूड हो इस काम में, ठीक है। कम्युनिटी अवेयरनेस हो, कम्युनिटी अवेयरनेस मतलब आजकल की नीड क्या है इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्वालिटी एजुकेशन मिले, क्वालिटी डेवलपमेंट हो इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्वालिटी डेवलपमेंट भी और क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट भी होना चाहिए, ठीक है। वुमेन्स पार्टिसिपेशन हो इसको इंकरेज करना चाहिए, ट्रेनिंग मिलनी चाहिए मेंबर्स को, सेपरेट ट्रेनिंग मिलनी चाहिए जितने भी मेंबर्स इंक्लूड हैं उनको, ठीक है। एटलीस्ट 2 मीटिंग्स ऑफ जर्नल बॉडी, मतलब हर साल कम से कम 2 मीटिंग्स तो होनी चाहिए ताकि सारे लोग आपस में मिले, मतलब अलग अलग स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़ आपस में मिले और वो ये डिस्कस करें हमारे स्कूल में इतनी प्रोग्रेस हुई है, इतनी डेवलपमेंट हुई है, ठीक है। और कॉन्फिडेंशियल मेंबर, कॉन्फिडेंस बना के रखना चाहिए मेंबर्स को आपस में कि मतलब कि हमें विश्वास है जो भी हमारा लीडर है वो गलत नहीं कर रहा, भेदभाव नहीं कर रहा, इसलिए ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सबको अपने अपने रोल पता होना चाहिए कि क्या उनका रोल है और वो ये सब काम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब अगर चीज़ें ध्यान देंगे हम तो जो भी फंक्शनिंग है SMC की वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होगी, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी क्या होती है, क्यों ज़रूरी है और इसमें कौन कौन लोग होते हैं। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी, अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप लोग पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन और वीडियोज़ टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।